का कैसा अजब खेल है रही आज समझाई। इस दुनिया में नाना ढंग से भागी खेल दिखाई, भागी के अजब नजारे। सुनो सब सजन प्यारे, भाई जनो, भाग्य का अजब ही खेल है। वह कहां से कहां इंसान को पहुंचाता है, बड़े विलक्षण नजारे हैं भाग्य के। भाग्य के अजब नजारे, सुनो सब सजन प्यारे। एक समय की बात है, एक इंद्रसेन थे राजा, उनकी वीरावती रानी। वो मंगन रहे अतिवारी, उनकी छोटी राजधानी। भाग्य की राजधानी थी, उसके राजा इंद्रसेन थे, उनकी वीरावती रानी थी। आगे तो सुनो, ना कष्ट किसी को भाई, प्रजा है खुशी अति भारी। राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था, जनता सुख में जीवन व्यतीत कर रही थी। वीरावती रानी ने दो पुत्रियों को जन्म दिया, जो बड़ी ही सुंदर थी। कैसी थी सुनो, अब बिटिया पढ़ने लगी थी चंदा सम अनुहारी। बड़ी होने लगी है, देखने में बड़ी खूबसूरत है। अरे भैया हुआ क्या, अब बिटिया पढ़ने लगी थी चंदा सम अनुहारी। रह सोती आज मन भूपति, वीरावती संग प्यारी।
माता प्रेमी माता बहनों, बेटियां धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं कि रत और रंभा भी लज्जित हो रही हैं। राजा रानी देख देख करके फूले नहीं समाते हैं। आगे तो सुनो हुआ क्या, एक दिन की बात है कि हुई घोड़ा पे असवार भूपति चले नगर में, हुई घोड़ा पे असवार भूपति चले नगर में, महाराज इंद्रसेन आज चले हैं अपने नगर में। तो हुआ क्या है, सब जय जयकार करने लगे हैं। और हुआ क्या, हाथी उठाए राजा सबकी, आज बंदगी लेते फिर आगे को भूपति जाते पग धीरे से देते, भरत घोड़ा कल वापिस आते हैं घर पर। तो हुआ क्या है, देख रूप आज रानी ने अपने पेन सुनाए, सजे बजे भूपाल नजर में चांद चांद भी आए गए कासम भर बंधुओं। जब रानी ने महाराज से कहा, महाराज क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। और रानी महाराज से कुशल पूछती है, महाराज अपनी प्रजा का हालचाल बताते हैं और बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं प्रजा की। जब प्रजा की प्रशंसा कर रहे हैं, अरे भैया हुआ क्या, धन्य भागी भूपाल जी प्रजा रही गुड़ गाई, मैं प्यारी निज भाग्य से सबको रहा खिलाई। रानी राजा की ऐसी बात सुनकर बोली, महाराज आप धन्य हैं। भाइयों, कुछ समय बाद इंद्रसेन विचार करते हैं कि मैं अपनी प्रजा से पूछूंगा कि वह किसके भाग्य का खाती है। ऐसा विचार करके महाराज एक दिन चले हैं। और हुआ क्या है, मन में बहुत खुश हैं। मन में खुशी अपार रे चले तप धारी, पूछ रहे फिर जाए अपनी से।
फिर ताजा, आपके बाग का सब खाते हैं। महाराज ने पूछा है कि तुम किसके भाग का खाते हो, तो प्रजा के लोग कहने लगे हैं, महाराज हम तो आपके भाग का ही खाते हैं। प्रजाजनों की ऐसी बात सुनकर महाराज गदगद हो गए, मन में बहुत खुशी है, फूले नहीं समा रहे हैं। और उन लोगों को शाबाशी देते हुए जब महाराज अपने घर आते हैं तो हुआ क्या है, बीराबत रानी कहने लगी है, महाराज तब रानी से कही, सुनो तुम सही आज मेरी प्यारी, किसके भाग्य का खावो प्यारी बात बतावो सारी। कहा, महाराज हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। जब महाराज ने रानी की ये बात सुनी तो एकदम उछल पड़े कि ये बात तुम भी कह रही हो, कि हाँ। तो उसी समय भैया फिर दो बिटिया लाई बुलाई रे भूपत ने इंद्रसेन ने अपनी दोनों पुत्रियों को बुलाया। बुलाने के बाद में महाराज कहने लगे हैं कि मेरी बेटियों, तुम ये बताओ कि तुम किसके भाग्य का खाती हो, तुम किसके भाग्य का खाती हो। तो बड़ी बेटी कहने लगी है, पिताजी मैं तो आपके भाग्य का बाबूल जी, मैं तो
जब बड़ी बेटी ने कहा, जब ये शब्द सुने हैं, छोटी बहन कहने लगी है, दीदी आप खाती होंगी, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ, मैं तो पिताजी के भाग्य का नहीं खाती हूँ। और ऐसी बात सुनकर राजा एकदम तड़प उठे, बोले, ए लड़की सही बोल, तू किसके भाग्य का खाती है? बेटी कहने लगी है, पिताजी मैं तो सही बता रही हूँ, मैं तो अपने ही भाग्य का खाती हूँ, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है। छोटी बेटी कहने लगी है, पिताजी और सुन, तुम्हें नहीं पता, पापा सुनियो बात हमारी, आपा काए खोई रहे, पिताजी सही बताऊं तो सुनो, मैं तो अपने भाग्य का खाऊं, सारी बात बताऊं, मैं तो अपने भाग्य का खाऊं, सारी बात बताऊं, अपने भाग्य से सुनो पिताजी, ना ना खेल रचाऊं, भाग्य से भाग से हाँ भाग से जीव जिंदगी सारी आपा काए खोई रहे। काए खोई रहे आपा काए खोई रहे, पापा सुनियो, पापा सुनियो बात हमारी, भाग्य का नहीं खाता है, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। और सुनो, भाग्य हमारो अति उत्तम है, मेरी शान बढ़ावे, भाग्य हमारो अति उत्तम है, मेरी शान बढ़ावे, इच्छा शौकत बबला हमारे पूरी भाग्य करावे, भाग्य भाग की हाँ भाग की लीला जग में न्यारी आपा काए खोई रहे। काई खोई रहे आपा काए खोई रहे, पापा हाँ पापा हाँ पापा सुनियो बात हमारी आपा काए खोई रहे। जब छोटी बेटी के ऐसे वचन सुने हैं कि सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, अब तो महाराज इंद्रसेन गुस्सा में तमतमा उठे, बोले, तू हमें भाग्य का पाठ सिखाती है, मैं देखूंगा कि तू किसके भाग्य का खाती है। भाइयों बहनों, धीरे धीरे समय गुजर रहा है, कुछ समय बाद राजा ने बड़ी बेटी का विवाह एक राज परिवार में काफी दहेज दे करके कर दिया, और छोटी बेटी के लिए क्या किया है सुनो, बुला सैनिकों को तुरत, दीना हुक्म सुनाई, मरला सन किस युवक को लाओ तुरत बुलाए। जब राजा ने ये कहा है कि एक मरे के समान किसी व्यक्ति को हमारे पास लाओ, राजा के आदेश को पाकर सैनिकों ने नगर से दूर एक जंगल में कहराते हुए मरणासन युवक को देखा, यानी मरे हुए समान एक इंसान को देखा, तो उसे लेकर के आए हैं। और वो मरणासन कौन था सुनो, वीर विक्रमाजीत भूप
आखे टकर नहीं तो आया था। जंगल में क्या देखा है और एक नागराज ने क्या कहा है। महाराज हमारी रक्षा कर और मेरे प्राण बचा लेना, यह वन जंगली आग भूप मुझे अपने अंदर छिपा लेना। इस सारे जंगल में आग लग चुकी है, तुम किसी तरह से मेरे प्राण बचा लो, मुझे अपने अंदर छिपा लो। और नागराज कहने लगा है कि हे राजा, फिर आप कहोगे राजा जी मैं तुरंत निकल के जाऊंगा, लेकिन आज बचा लीजिए एहसान आपका मानूंगा। लेकिन आज बचा लीजिए एहसान आपका मानूंगा। जब नागराज के ऐसे शब्द सुने हैं तो राजा विचार करने लगा है। शरणागत रक्षा धर्म समझो, भूपति ने उसको बचा लिया, अपना खोला मुँह राजा ने और नागराज को छिपा लिया। ऐसा विचार किया है कि अगर कोई शरण में आए तो उसे शरणागत देना मेरा धर्म होता है, और ऐसा विचार करके विक्रमाजीत ने उस सर्प को अपने मुंह में निगल लिया और पेट में रख लिया। जब पेट में रख लिया है, जब उसकी रक्षा की है, तो महाराज विक्रमाजीत कहने लगे हैं कि हे नागराज, कि अब तो तुम्हारी रक्षा हमने कर दी है, अब ऐसा करो तुम बाहर निकल के आओ, अब तुम बाहर निकल के आओ, अब कोई डर की बात नहीं है, तुम बाहर निकल आओ। माता बहनों, जब राजा के ऐसे शब्द सुने हैं तो नागराज इस पर कहने लगा है, अरे मूर्ख राजा, अब मैं बाहर नहीं आऊंगा, अरे मुझे तो बहुत सुंदर घर रहने के लिए मिल गया है। जब इस तरह नागराज के शब्द सुने हैं तो राजा को चिंता हो गई और इसी से वह राजा मरणासन्न हो गया, कमजोर हो गया। सैनिक उसी को लेकर राजा के सामने आए हैं और इंद्रसेन ने अपनी बेटी की शादी विक्रमाजीत राजा के साथ में जब कर दी है, अरे भैया, अब तो रानी रो रही है कि हे भगवान,
मेरी बेटी के साथ में ये क्या हुआ? रानी ने चुपचाप अपनी बेटी को एक मोहर दी है और रोने लगी है। कैसे? मैया ने बेटी देखी रे के गई भर के रोई, परमेश्वर हैं, भगवान हैं, यही मेरे लिए पूज्य हैं। इतना कह करके और हुआ क्या है? पति के साथ जिंदगी गुजारने लगी, अपने पति को परमेश्वर समझती हुई सेवा करती है, रोजाना अपने पति की सेवा करती है। एक दिन विक्रमाजीत की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, कहीं आंखें बंद कर लेते हैं, कहीं खोल लेते हैं। जब बिगड़ती हुई हालत ज्यादा देखी है तो बेचारी वो बिटिया घबराने लगी है, रोने लगी है, कहने लगी है, आज ऐसा कोई नहीं है मेरे साथ में जो मेरी सहायता कर सके, हे भाग्य तू ही कुछ कर। आज बेचारी रो रही है और क्या कह रही है?
सासुल के जाए रात दिन वो दुखिया रोती रहती है, बेकारन की तरह अपना और पति के पेट को भरती है। एक दिन पति तो सो गया और वो बेचारी रात में जागती रही, उसे नींद नहीं आई और रोती रही। उसके पास में एक बिल था, उसमें एक नाग बैठा हुआ था। रात के रोने पर, उस लड़की के रोने पर, उस नागराज को तरस आ गया। जब तरस आया तो वो कहने लगा है, और क्या कहने लगा है, बिल में बैठा एक नाग कहे कोई सुनियो मेरी पुकारी रे, मैं बात बताऊं अनमोली।
लगा हुआ था, सर्प बैठा हुआ था, कहने लगा, अरे मेरी आवाज को कोई सुन रहा हो तो ध्यान लगा के सुने। बिल में बैठा एक नाग कहे, कोई सुनियो मेरी पुकारी रे, मैं बात बताऊं अनमोली। नाग कहने लगा है, क्या का मठा नमक डाल के पिला दो तो इसकी जान बच सकती है। वो नाग कतरे कतरे होकर के बाहर निकल जाएगा और शायद ये बच सकता है। अरे भैया, जब ये आवाज सुनी है तो हुआ क्या है? सुनने के बाद आज वो दुखिया पति के पेट में नाग बैठा था, उसने जब बिल वाले नाग की ये बात सुनी तो वो पेट में बैठा हुआ नाग कहने लगा, अरे मैं भी जानता हूँ, क्या एक बहुत अच्छी बात जानता हूँ। और कहने लगा है, जो उसके पति के पेट में नाग बैठा था वो कहने लगा कि ये सर्प जो बातें कर रहा है, इसके बिल के नीचे अरबों की संपत्ति है। कढ़ाई में तेल गर्म करके उसके बिल में जो डाल देगा तो ये सर्प मर जाएगा और अरबों खरबों के जो रुपया है चाहे से कोई भी ले लेगा। जब ये सर्प मर जाएगा तो वो बहुत धनवान बन जाएगा, संपत्ति वाला हो जाएगा।
अरे भैया, जब ये बात उस लड़की ने सुनी है तो मन में बहुत खुशी होने लगी है उसे। अब तो हुआ क्या है, दुखिया ने दो उनकी सुन ली ऐसी बात, फिर भी ना कछ बोली पर मन में अति हर साथ। किसी से कुछ नहीं कहा, बहुत खुश है। दुखिया ने दो उनकी सुन ली ऐसी बात, फिर भी ना कछ बोली पर मन में अति हर सार। और हुआ क्या, घर से मठा मांगा और नमक लाओ है साथ, फिर भी ना कछ बोली पर मन में अति हर साथ। सवेरा होने पर आज दुखिया गांव में पहुंच जाती है। बेचारी ने 3-4 दिन का मठा मांगा जैसे तैसे। जब मठा मांगा है और नमक मांगकर लाई है तो क्या किया है, डाली नमक मठे में पति को पिलाया, भागी ने देखो कैसा खेल दिखाया। डाली कतरे कतरे हो करके ना कतरत मर जा, तो फिर भी ना कछ बोली पर मन में अति हर साथ। दुखिया ने दो उनकी, हाँ दुखिया ने दो उनकी सुन ली ऐसी बात, तो फिर भी ना कछ बोली पर मन भाइयों। इस प्रकार अपने पति को भाग्य के सहारे स्वस्थ बना लिया। जब इंद्रजीत स्वस्थ हो जाते हैं तो एक दिन वो अपने पिया से कहने लगी है कि पिया, ये जो पास में बिल है इसके अंदर सर्प है, उसके नीचे माया का खजाना है और मेरे पास में मेरी माँ की दी हुई एक मोहर है। और अपने पिया से कहने लगी है, पिया कि अगर जो बिल में सर्प है उसे हम मार देंगे तो हम बहुत धनवान हो जाएंगे। और अपने पिया से कहने लगी है, जाको तुम ले जाओ तेल को लाओ सुनो पतिवानी, फिर गर्म तेल से सैयारे हम करें सर्प की हानि।
चार बात अपनी प्रिया की सुनकर के आज इंद्रजीत ने देर नहीं की और मोहर को लेकर के जब गया है और तेल लेके आया है, जब कढ़ाई में तेल को खूब खोलाया है, गरम किया है और जब उस बिल में डाल दिया तो वो सर्प मर जाता है। जब वो सर्प मर जाता है तो हुआ क्या है? जब बिल की करी खुदाई रे लख माया को हरसाई रे, जब सब बहनों, जब विक्रमाजीत ने उस बिल की खुदाई की तो उसमें बहुत संपत्ति निकली। देखिए भाइयों बहनों, ये भाग्य की कला कहां से कहां पहुंचा दिया उन दोनों को। और ये हकीकत है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला। एक दिन विक्रमाजीत अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, तुम्हें नहीं पता और क्या कहने लगा है। निज धाम को प्यारी चले पति ने कही सुनाई, तब प्यारी पति से कहे देवो धाम बताए। जब विक्रमाजीत ने कहा कि हे प्रिय, चलो हम अपने धाम के लिए चलते हैं, तो पत्नी कहने लगी है, पिया कहाँ है तुम्हारा धाम? तो विक्रमाजीत कहने लगा है, हे रानी, तुम्हें नहीं पता है कि मैं भी कहीं का राजा हूँ। और कहने लगा, धारा नगरी मेरी जन्म भूमि है, सुनियोरी मेरी प्यारी, राजा हूं, अब चलो हम अपनी नगरी में रहेंगे। भूपत ने अपनी आज रे कही हकीकत सारी, महाराज गए तब धारा नगरी आई और दुखिया रानी बनी भागी, अब अजब खेल दिखला मेरे धन्य धन्य है भाग्य भाग्य तेरी लीला न्यारी है, अब तो धन्य धन्य है भाग्य भाग्य तेरी लीला न्यारी है। लीला न्यारी है भाग्य तेरी लीला न्यारी है, अब तो धन्य धन्य है भाग्य के भैया। विक्रमाजीत महाराज ने अपना संपूर्ण घटनाक्रम अपनी पत्नी को बताया। इसके बाद ये दोनों धारा नगरी में आए। प्रजा ने बहुत दिनों बाद अपने भूपाल को देखा है तो बहुत खुशी मनाने लगे हैं। आज प्रजा में बहुत खुशी है। महाराज ने यज्ञ का अनुष्ठान रचाया है और हुआ क्या है भक्तों? देश देश के राजाओं को आज निमंत्रण भिजवाए, यज्ञ में शामिल होने को आज सभी राजा आए। बहुत सारी धन दौलत प्राप्त हो जाने के कारण, जान बच जाने के कारण महाराज
विक्रमाजीत ने यज्ञ का अनुष्ठान रचाया और देश विदेश के राजाओं के लिए निमंत्रण भेजा है। निमंत्रण पाकर के आज देश देश के राजा आ रहे हैं। कैसे सुनो, वो जरूर आएंगे। जब देखा है, ओह, जब पिता को देखा, दासी को पास में बुलाया, कहने लगी, बहन कहा, जो ये भूरी दाढ़ी वाले हैं ना, इन्हें हमारे पास में बुला के लाना। क्यों? कि उनसे काम है, तू बुला के तो ला। आज दासी गई, कहा है कि चलिए तुम्हें महारानी बुला रही है। पहले तो अपने भैया डोकरा कैसे सब कुछ आओ कर रानी से हम आओ का काम है, लेकिन फिर कहा कि शायद कोई काम होगा, आखिर हम भी राजा हैं। जब इंद्रसेन महलों में गए हैं, क्या देखा है कि आज उनकी बेटी रानी के रूप में खड़ी हुई है। आज अपनी बेटी को देखा, अरे भैया हुआ क्या। जब देखा अपनी पुत्री को, बहुत बुरा किया और आज ये रानी बनी बैठी है। मेरी छोटी बेटी है, आज रानी कहलाती है, गर्दन नीचे हुई भूख की मानो लज्जा आती है। गर्दन राजा इंद्रसेन ने अपनी बेटी को रानी के रूप में देखा, अब तो आंखें झुक गईं। बेटी कहने लगी है, कहिए पिताजी, मैं तुम्हारे भाग्य का खाती हूं या अपने भाग्य का। राजा हाथ जोड़ के कहने लगा है, बेटी मुझे क्षमा करना, बस में आदमी अपने ही भाग्य का खाता है, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है। बेटी मुझे क्षमा कर दो। आज बेटी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आदमी अपने अपने भाग्य का खाता है। और यहीं पर हमारे किस्सा की यह कड़ी समाप्त होती है। सभी श्रोतागणों को, सभी भाइयों को साधना का नमस्कार स्वीकार हो। बोलो जी, अरे की जय।